नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप इंसानी। सर कब से आ रहे हैं आप डेरे के अंदर? डेरा में हम 20-22 साल से आ रहे हैं। सर 20-22 साल आपको हो गए, कैसा माहौल देखा है आपने? बिल्कुल ऐसा माहौल है, पारिवारिक है, इसमें ब्रदरहुड की जो फीलिंग आती है हमको यहाँ पे आके, और गए हैं हम जगह जगह और हमें ऐसी फीलिंग नहीं है, जो ब्रदरहुड की फीलिंग यहाँ पे। सर क्या करते हैं आप? मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ। सर आप एक टीचर हैं, उसके बावजूद आप डेरे सच्चे सौदे से जुड़े क्यों? क्योंकि मेरा मानना है, मैंने गुरुजी पे मतलब स्टार्टिंग में जब कंपेन निकालते थे एंटी ड्रग एडिक्शन के लिए तो तब मैंने एक स्लोगन बनाया था गुरुजी के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे को ये लगा भी गुरुजी ने तो हमारी लाइफ ही चेंज कर दी। जी जी। आई प्राउडली से दैट गुरुजी इज ऑल इन माई लाइफ। जी। विदाउट गुरुजी वी कांट थिंक अबाउट अवर लाइफ। जी। द टीचिंग्स ऑफ अवर डॉक्टर मैसी गाइड जी टू स्टॉप ऑल द सोशल इवल जस्ट लाइक चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल फर्टिसाइड। जी। ये मैंने स्लोगन दिया था तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे इसको मतलब सपोर्ट किया, फेवर किया इसका। मतलब मोस्टली जो सोशल इवेल्स थी जो लाइफ चेंजिंग है, मतलब गुरुजी का जो मेथड ऑफ मेडिटेशन है ना वो लाइफ चेंजिंग है। 20-21 साल में 22 साल में मैंने ये देखा, अगर सोसाइटी में जाते हैं तो पता चलता है यार जो यंग एज है वो कितना मिसलीड हुआ है, मिसलीडिंग में वो ड्रग एडिक्शन कर रहे हैं, वो और गलत दिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं। गुरुजी ने रिफॉर्म ला दिया हमारी लाइफ में। एक जो फैमिली अब क्या है, हम तो अभी हेवन में आ चुके हैं, आउट ऑफ हेल, आउट ऑफ हेल के हेवन में आ गए हैं, ये मेरी फीलिंग है हार्टली। गुरुजी में फायर फेथ है हमारा। सर क्यों बदनाम किया जा रहा है फिर संत जी को? क्यों बदनाम किया जा रहा है फिर संत जी को? ये देखिए, जो भी सच्चाई है ना, जो ये कंट्राडिक्शन चलती आ रही है सच और झूठ के बीच में, ये कंट्राडिक्शन चलती है अभी, ये अभी से नहीं है, ये तो मतलब जैसे हिस्ट्री में ले लें हम कितनी एग्जांपल्स हैं, उसमें भी जो संत महापुरुष हैं उनका विरोध हुआ है। लेकिन गुरुजी ने क्या सिखाया बेटा, अपना जो पथ है वो अपना पाथ है, वो अपना इफेक्शन का है, प्रेम का है, अपन किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, अपन तो चलते जाना बस अपने सच्चाई के मार्ग पे। मेरा मानना है गुरुजी ने सिखाया ट्रुथ ऑलवेज विन्स, सत्यमेव जयते जो हमारा देश का है एक ये स्लोगन है हमारा, सत्यमेव जयते, उसमें विश्वास रखते हैं। इसलिए सर संत जी ने इतने भलाई के कार्य करे, आपको लगता है आज की जनरेशन को उनकी जरूरत है? बिल्कुल जी। क्यों जरूरत है? बैडली नीड ऑफ गुरु जी। क्यों जरूरत है सर आखिर? क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है, जैसे एपिडेमिक की बात कर ले, ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ अगर हम बचे हैं इससे तो गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ, वरना तो हम सोच भी नहीं सकते थे अपनी लाइफ का। सर आजकल संत जी की काफ़ी चिट्ठियाँ आ रही हैं, तो क्या बयान कर रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं संत जी? क्यों वो तो देखिए जी, एक शब्द में हम पढ़ते थे पहले जी, मेरे गुरु का पत्र कोई आया दस पाई डाक वाले, तो आज उस रियलिटी को फेस किया। कभी मैं चाइल्डहुड में पढ़ता था तो यार ये क्या बात है, अब वो सच हो गया जी, हमको पूछना पड़ रहा है यार बताओ। तो गुरु जी ने हमारे साथ इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने अपना प्रेम का एक जो गिफ्ट है हमें वो दिया एक पत्र के रूप में। हम मानते हैं कि हमारा तो इतनी आस्था है, हम बता नहीं सकते बस गुरु जी के बारे में। सर आप कह रहे हो कि संत जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतने एलिगेशंस लगाए गए उन पे, तो आज जो यूथ है कौन कौन सी बुराइयों से सर जूझ रहा है उनके ना होने से? देखिए सभी सोशल इविल्स फिर दोबारा क्या है, राइज हो चुकी है जी। एक दौर था जब गुरु जी 95 और 2002 के बीच में सत्संग किए, 2007 के बाद में ऐसा कोई दौर आया, अभी बंद हो गए सत्संग, तो अभी पंजाब का हाल हम देख सकते हैं मोस्टली, क्योंकि हरियाणा में तो चल रहे थे अभी सत्संग, पंजाब में अगर देखें तो पंजाब में तो बहुत बुरा हाल है जी। हम बता नहीं सकते, उनको कोई मैनर्स नहीं रहे, मतलब गुरु जी ने जो शिक्षा दी है हमें जी, वो बताया है आपसे बड़े हैं वो आपके माता के समान, जो आपके बराबर के हैं बहन के समान, छोटे हैं बेटी के समान, ये जो फीलिंग आती है ना ये सिर्फ गुरु जी की जो टीचिंग्स है उन्हीं में ही देखने को मिलती है।
अगर ये टीचिंग्स को फॉलो करते हैं हम, इनको फॉलो करते हैं, ये जो गुरुजी ने हमारे हमको पाथ दिखाया, तो मैं नहीं मानता भी सोसाइटी में हमारी जो नेम फेम जो भी चाहते हैं वो मिलता है। सर आज कुछ लोग संत जी के बारे में या फिर जो भी वो चिट्ठियाँ भेज रहे हैं उनके बारे में कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, कौन लोग हैं वो, क्यों वो मतलब ऐसा कर रहे हैं? फ्रस्ट्रेटेड पीपल हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। सच्चाई कई दफ़ा क्या होता है ना, हम मिसलीड हो जाते हैं किसी की भी बात सुन के जी। हमें नहीं होना चाहिए, इल र्यूमर्स हैं ना, उनका कोई इलाज नहीं है। जो बंदा इल र्यूमर्स पे विश्वास करता है वो तो बिल्कुल ही, उसने कुछ देखा नहीं, रियलिटी तो जानता ही नहीं वो, तो उनको क्या चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि पिता ही ने तो बताया बेटा हम सभी एक बाप की औलाद हैं, गॉड इज फादर ऑफ ऑल जी, वी ऑल द चिल्ड्रन ऑफ। अगर मिसलीड हो जाता है तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए भी उनको भी लेके आए, जो मिसलीडिंग है, जो मिसकंसेप्शन उनके मन में हैं उनको दूर करना चाहिए। हम यही पिताजी से अरदास करते हैं, पिताजी उनको भी सुमति देना। सर सरकार से क्या अपील करोगे आप? मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, पिताजी को जल्दी से जल्दी लेके आए, ताकि जो ये हालात हैं इनसे निपटने के लिए, वैसे तो टाइम टू टाइम हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनको फॉलो करके आज तक बचे आ रहे हैं हम। मैं यही अपील करनी चाहूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि पिताजी ने बताया बेटा कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करना ये हमारा फर्स्ट है जी, फर्स्ट है, जो कंट्री इज़ फर्स्ट फॉर अस। पिताजी ने जैसे फिल्म में भी बताया, ऐसे ऐसे मतलब सॉन्ग्स हैं उसमें, जियेंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, उसी धारणा को लेकर हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से, भी संत जी को सच्चाई को जान के उनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ करें, ताकि वो सोसाइटी में आके फिर से जो रिफॉर्म चल रहे थे, वैसे तो चल ही रहे हैं, उनके जो डिसिपल्स हैं पीपल्स हैं उनके, वो कर रहे हैं वही काम, 134 जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। सर डेरा सच्चा सौदा द्वारा ब्लड डोनेट करा जाता है काफ़ी मतलब मात्रा में, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, तो इतने सारे ब्लड का आखिर होता क्या? देखिए जैसे आर्मी की बात ले लें, जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो एयरफोर्स है, जो आर्मी है अपनी या नेवी है, उसके लिए जो एवरी मंथ में वो एक ऑर्गेनाइज किया जाता है कैंप जी, ब्लड डोनेशन का कैंप स्पेशली, क्योंकि पिताजी ने बोला है देश के लिए तो भाई करेंगे सारा कुछ करेंगे, तो यूथ है जो बड़ा मोटिवेट हुआ है इसी के कारण, जो फिल्म्स आई थी उनमें भी मोटिवेट किया है, उनसे ज़्यादा मोटिवेट होकर यूथ भी ज़्यादा से ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ताकि हमारी जो एक यूनिट ब्लड है उससे हम 3 लाइव्स को सेव कर सकते हैं। ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए और थैलीसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बंदा बिल्कुल पॉवर्टी में है नहीं अफोर्ड कर सकता, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता वो परचेज कर सके ब्लड, तो उनको ब्लड डोनेट किया जाता है, हम ब्लॉकों में भी करते हैं। इतनी सारी उन्होंने लाइफ बचा ली हैं, सेव कर ली हैं, लगता है आपको अगर आज डेरा सच्चा सौदा ब्लड डोनेट करना बंद कर दे तो कितनी जो लाइफ है वो जा सकती है बिना ब्लड के? मेरा मानना है जैसे कि इन माई हम्बल ओपिनियन देर इज लैक ऑफ ब्लड एज आई थिंक इन माई हम्बल। सर आज अगर आप लोग डेरा सच्चा सौदा जो भी मतलब वो अपने रूल्स मतलब जो भी संत जी के टीचिंग्स हैं लेसन्स हैं उन पे अगर चलना छोड़ दें तो कितने लोगों का आज नुकसान हो सकता है बिना ब्लड के, वो उनकी जान जा सकती है कितने लोगों की? तो ये इमेजिनेशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो गुरुजी की ब्लेसिंग से हम ये काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को तो ये बड़ा लगता है, मैं 10 times अभी ब्लड डोनेट कर चुका हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, मेरे से भी मतलब बहुत टाइम कर चुके हैं हमारे जो भाई हैं, जो इंसा ब्रदर्स हैं, इंसा सिस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत टाइम मतलब 100+ बार किया उन्होंने ब्लड डोनेट, तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, उसको बयान नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं कि संत जी के आज ना होने से देश का क्या नुकसान हो रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, बुराइयां बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो ब्लड डोनेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि आज जो 7 करोड़ लोग नशा छोड़ चुके हैं वो अभी तक 15 करोड़ हो चुके होते, और संत जी के जो टीचिंग्स और ब्लेसिंग्स पे चल के आज उनका घर स्वर्ग बना होता और वो दूसरों की लाइफ बचा रहे होते।
किसी ना किसी तरीके से, हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तो अपना समय देकर, अपना रुपए देके, बहुत बड़ी बात है ये आज के समय में। संत जी की आज समाज को ज़रूरत है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये था डेरा सच्चा सौदा का असली सच, एक टीचर के द्वारा जो कि अपने जो स्टूडेंट है उनका भला चाहता है, वो यही अपील करते हैं कि संत जी आ जाएं ताकि हमारा जो आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी इनके हाथ में है, वो आगे अच्छे से सुधर सके, उसको एक नशा मुक्त भारत मिले और नशा मुक्त समाज मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।